हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ आशीष। डिफेंस अपडेट को आपका स्वागत है। आज हम चार डिफेंस अपडेट को लेकर बात करेंगे। नंबर वन, आज फ्रांस से सीधे नॉनस्टॉप और 3 राफेल फाइटर जेट भारत आ पहुंचेंगे। नंबर टू, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए आर्म फोर्स ड्रोन खरीद कॉस्ट को लेकर भारत के तरफ से यूएसए प्रशासन के साथ और एक बार डिस्कस किया जाएगा। नंबर थ्री, MMRCA टेंडर के तहत इंडियन नेवी के तरफ से F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। नंबर फोर, अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से सैन्य बिक्री को लेकर भारत के ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज भारत आ पहुंचेंगे 3 और नया राफेल फाइटर जेट। ये राफेल फाइटर सीधे फ्रांस से जामनगर एयरबेस पर आके लैंडिंग करेंगे, मतलब नॉनस्टॉप बिना रुके 8 घंटे फ्लाइट करके भारत आ पहुंचेंगे। सूत्र के अनुसार अगर हम भारत से फ्रांस का डिस्टेंस देखें तो 7379 किलोमीटर है। इतने लंबी दूरी तय करने के लिए राफेल फाइटर को कम से कम 7 से 8 घंटा टाइम लग सकता है, जिसके कारण राफेल फाइटर को मिड एयर पर रिफूल किया जाएगा। ये काम फ्रांसीसी एयरफोर्स के तरफ से किया जाएगा। ये 3 नए राफेल फाइटर जेट को भव्य स्वागत के लिए जामनगर एयरबेस के तरफ से पूरी इंतजाम किया गया है। जैसे कि राफेल फाइटर जेट पहुंचते ही इन्हें वाटर सैल्यूट दिया जाता है और इन्हें मिड एयर रिफूल के लिए फ्रांस के तरफ से मिड एयर रिफूल एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया गया है। इसी तरह एक के बाद एक राफेल यूनिट्स को भारत को 2022 अंत या 2023 फर्स्ट महीने के अंदर फ्रांस के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर टू, हाल ही में इंडियन आर्म फोर्सेस का अनमैन्ड फायर पावर को बढ़त देने के लिए भारत के तरफ से अमेरिका का MQ-9 स्काई गार्डियन एडवांस आर्म फोर्स ड्रोन को खरीदा जाने वाला था। इसके लिए 30 यूनिट्स आर्म फोर्स ड्रोन खरीद के लिए अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमिक के तरफ से 3 बिलियन USD या इंडियन करेंसी में 22,000 करोड़ रुपया रखा गया था, जिसमें कंपनी के तरफ से पहले चरण में 6 MQ-9BS ड्रोन के लिए $6 मिलियन रखा गया था, मतलब हमारा इंडियन करेंसी में 4,400 करोड़ होता है। और 24 यूनिट ड्रोन को अगले 3 साल में अमेरिका के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और हमारा आर्म फोर्सेस का ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण देने के लिए 2 MQ-9B ड्रोन को भी खरीद के लिए इस बातचीत में शामिल किया गया था। लेकिन हमारा भारत के तरफ से ये डील का कॉस्ट को लेके काफी कंफ्यूज और नाराज डिसीजन रखा गया है। और हमारा भारत के तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 30 यूनिट ड्रोन के लिए जो कॉस्ट अमेरिकी कंपनी की तरफ से रखा गया है, ये बहुत ही अधिक हो जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा इंडियन आर्म फोर्सेस का एयरफोर्स, नावल फोर्स और लैंड फोर्सेस के लिए ये ड्रोन को खरीदा जा रहा है। और इंडियन आर्म फोर्सेस 2022 के अंदर एक खुद का अनमैन्ड ड्रोन फील्ड को डेवलप करना चाहता है, जिसके कारण ये ड्रोन का कॉस्ट को लेके हमारा इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से अमेरिकी कंपनी के साथ और एक बार डिस्कस किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट्स भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसके थ्रू आप रहे सबसे आगे। नंबर थ्री, भारत यूएसए के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर प्लेन को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो हमारा नावल फोर्सेस के लिए जो 57 कैरियर डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट MMRCA टेंडर के तहत चुना जा रहा है, इसमें मुख्य दावेदार फाइटर प्लेन के रूप में यूरो टाइपून और F-18 सुपर हॉर्नेट शामिल हुए थे। लेकिन हमारा इंडियन नावल फोर्सेस के तरफ से यूरो टाइपून से ज्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट को फोकस दिया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक बहुत ही बढ़िया कार्य डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट है। साथ साथ ये डील के अंदर अमेरिका के तरफ से अनमैन्ड सी गार्डियन एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि भारत को देखते हुए स्पेशल ये ऑफर दिया जा रहा है। और आप जानते हैं कि हमारा सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत रेडी हो गया है, जिसके लिए भी एयरक्राफ्ट चुना जा रहा है। बोइंग के द्वारा डेवलप किया गया FA-15EX और FA-18EF दोनों इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी किया गया MMRCA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट की दौड़ में ये दोनों शामिल हुए हैं। और इंडियन नेवी के लिए 57 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट को भी ये डील के अंदर शामिल किया जा रहा है। ये MMRCA टेंडर को लेके अमेरिकी प्रशासन के द्वारा भारत के ऊपर काफी दबाव डाला जा रहा है। चाइना और भारत के बीच टेंशन को देखते हुए दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध बढ़ने के बाद कमर्शियल एयरक्राफ्ट सेक्टर में उथल पुथल के बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से मिलिट्री डील को लेके भी भारत को ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। सूत्र के अनुसार MMRCA टेंडर को लेके बोइंग के द्वारा अपना FA-15ES का सबसे एडवांस वर्जन के रूप में डबिंग करके अपना FA-15ES की पेशकश किया गया था। इसमें बोइंग को कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला और FA-15ES का एडवांस संस्करण FA-18EF को लेके भी बहुत ही टेक्निकल चैलेंजेस सामने आया था। अब अमेरिकी कंपनी बोइंग के लिए ऑप्शन ये है कि अपना प्रोफेसर के साथ भारत को MMRCA टेंडर के लिए फाइटर प्लेन को लेकर और एक बार पेशकश करना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि MMRCA टेंडर के तहत भारत पहले से डेजर्ट एविएशन का राफेल और
और ब्रिटेन का हीरो टाइफून फाइटर प्लेन को हरी झंडी दे दी थी, जिसके कारण अमेरिकी कंपनी बोइंग के तरफ से ये टेंडर के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है और अपना FA-15ES का एक एडवांस वर्जन को प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर बोइंग का फाइटर प्लेन FA-15ES का एडवांस वर्जन को लेके इसका चेंजेस को लेकर बात करें तो बोइंग के तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक 2 सीट विशिष्ट एयरक्राफ्ट है। इसमें न्यू ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम को एक्टिवेट किया गया है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम एडवांस कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा नाभाल फोर्सेस की तरफ से इसका एक एक मानदंड को टेस्ट किया जाएगा, तब जाके हमारा नाभाल फोर्सेस में ये फाइटर प्लेन को शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का डिफेंस अपडेट। आशा करता हूँ ये डिफेंस अपडेट आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो एक बड़ा थम्सअप दीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।